हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे वेदांता लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस एनालिसिस में अभी देखेंगे कि अगर कल के दिन बहुत ही अच्छा हम लोग को 2 दिन से रिटर्न मिला था, अभी बहुत तेज़ी से नीचे की ओर गिर रहा है, तो ये कितना नीचे गिरेगा। ठीक है, ये फिर से यू टर्न किन लेवल से ले सकता है और हमारा किस तरीके का यहाँ पे अभी हमारा किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बिल्ड हो सकता है। तो यहाँ पे अभी जो सिचुएशन बनी है देख रहे हैं, यहाँ पे 2 दिन पहले बहुत ही अच्छी एक रैली हुई थी, 10-15% की ये रैली थी। उसके बाद 2 दिन से आज के दिन तो कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये नीचे की ओर लगातार नीचे की ओर जा रहा है। तो आज देखेंगे इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया है। अगर हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आज इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया है, तो हमें पता चलेगा ये यहाँ पे जो रेड कैंडल है, ठीक है, इसके यहाँ पे लो के आसपास इसने आज सपोर्ट लिया है और ये लेवल है 286 के आसपास का। नेक्स्ट इमीडिएट जो सपोर्ट है हमारे पास वो है 280 का। ठीक है, 280 के लेवल के आसपास देखेंगे। यहाँ पे हॉल्ट करने के बाद ये ब्रेकआउट दिया था इन लेवल्स का। ठीक है, इन लेवल्स का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, तो ये 280 के लेवल हायर प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे आके रुकेगा। ठीक है, 280 के लेवल के आसपास हायर प्रोबेबिलिटी यहाँ आके रुकेगा, फिर ये यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे ऊपर जाने की यहाँ से कोशिश करेगा। अगर ये कोशिश यहाँ से कामयाब रहती है तो ये इसी का ऐसा लगा कि हम लोग फिर से प्ले कर सकते हैं और 320 का हम लोग यहाँ पे टारगेट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। या फिर अगर ये इस तरीके से यहाँ पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट देने के बाद नीचे की ओर ब्रेकआउट देता है, मतलब ऊपर की ओर ब्रेकआउट नहीं दे पाता है, तो नीचे की ओर हम लोग इसको मैक्सिमम जो देखेंगे ट्रैक करेंगे वो 260 तक का है। ठीक है, 260 तक का लेवल इसमें, 260 से लेके ये लगभग लगभग ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ ये कौन से लेवल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लेवल है 250 से लेके 260 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस शेयर के लिए। 250 से लेके 260 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस शेयर के लिए, क्योंकि ये जो रैली किया है अगर यहाँ से देखेंगे करेक्शन होता भी है तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% के आसपास होगा। तो इन लेवल के आसपास अगर डब्ल्यू टाइप पैटर्न हम लोग को मिलता है, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए या फिर डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, अगर यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न मिलता है तो इसका ऐसा लगा कि आप लोग फिर से इसको प्ले कर सकते हैं। फिर हो सकता है ये इसी रेंज में फंसे। ठीक है, तो इस रेंज में एक नया यहाँ पे चैनल क्रिएट करने की कोशिश करें, तो अगर ऐसा होता है तो ये ऐसा लगा कि एंट्री लेंगे तो हमको 1:2 320 तक आराम से मिल सकता है। और ये इस तरीके से अगर ऊपर जाके नीचे भी आता है तब तक हम लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर चुके होंगे। या फिर ये थोड़ा सा यहाँ से नीचे आके फिर से ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे देता है तो हमारे लिए ऊपर के जो लेवल्स हैं 340 के आसपास होंगे। आपको बता दूं, जब हमने इसकी पहली बार यहाँ पे मतलब एनालिसिस पोस्ट की थी तो ये इस तरीके का यहाँ पे ब्रेकआउट देने वाला था, और मैं बताया था आपको यहाँ पे ये इस तरीके का एक चैनल पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट हो सकता है, और वो वाला असल 220 का कभी हिट नहीं किया। और यहाँ पे देखेंगे धीरे 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 ये स्लोली 260 के आसपास आया। ये जो पेशेंस वाला टाइम था, ये इतना पेशेंस रहना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये मूव भी ज़्यादा नहीं कर रहा था किसी और, ना कि वो नीचे की ओर जा रहा था, तो ये होल्ड करना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद जब यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया होगा, ठीक है, उसके बाद लोग आराम से इसको होल्ड करेंगे। ठीक है, 320 का प्रॉफिट मिलने के बाद लोग ज़रूर इसको होल्ड करेंगे, आज इन्होंने बेचा भी नहीं होगा अभी तक। अगर ये यहाँ पे स्लोली मूव कर रहा होगा उस समय बहुत लोगों ने इसको बेच दिया होगा, लेकिन अभी ये पोजीशन नहीं बेचा होगा। लेकिन जब ये हमको अच्छा खासा प्रॉफिट अगर 2-4 दिन में ही मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पे 20-25% प्रॉफिट के लिए किसी शेयर में बैठे हैं 1 साल 1.5 साल का टाइम होरिजन लगा के, राइट, अगर यहाँ पे 1 साल का भी टाइम होरिजन है और हमको 2 दिन में ही 25% मिल रहा है, तो आप, मैं क्या करता हूँ, जनरली मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और स्विंग ट्रेडिंग के बीच में मुझे ऐसा कोई प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है, या फिर मैंने किसी मैं होल्ड करके रखा है और उसमें 20-30% मिलने लगा मुझे, और बहुत ज़्यादा मेरा टाइम फ्रेम नहीं था, 6 मंथ जैसा था, तो मैं उसको तुरंत एग्जिट कर देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी जो साइकोलॉजी है वो प्ले करती है। ये जब हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है तो हम बेच के नहीं निकलते हैं, लेकिन जब लॉस होने लगता है और ज़्यादा लॉस होने लगता है तब हम उसको ज़्यादा हम बेच के जल्दी निकल जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, इसको प्ले करना चाहिए, आपको डिसाइड करके रखना चाहिए कितना प्रॉफिट मिलेगा तब आप एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि 100 में से 5 शेयर तो ऐसे होंगे जो आपके पैसे 4 गुना 5 गुना 6 गुना कर देंगे, लेकिन जो बाकी 95 शेयर्स हैं उनका क्या, ठीक है। और मैक्सिमम हो सकता है इस 5 में से आपके पोर्टफोलियो में एक हो, लेकिन ये 95 में से हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में 9 शेयर हो, तो उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग आपको करनी चाहिए। अगर VADL की बात करेंगे तो इन्हीं लेवल्स के आसपास हम लोग इसको फिर से देखेंगे, ठीक है। और ऊपर की ओर हमने यहाँ पे ऑलरेडी 320 का यहाँ पे टारगेट देख लिया है, तो यहाँ से नीचे भी जा रहा है, तो VADL तो हमको सभी को पता है बहुत ही अच्छा हम लोग को यहाँ पे डिविडेंड ये देता
देता है, तो डिविडेंड के हिसाब से बहुत ही अच्छा शेयर है और फ्यूचर में भी हो सकता है ये इन लेवल को इस तरीके से ब्रेकआउट देके ऊपर क्यों निकल जाए, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो बिल्कुल इस प्रकार से है, तो यहाँ से नीचे गिर रहा है तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ये हो सकता है एक बार और पुल बैक जरूर देगा। पुल बैक देने के बाद हो सकता है ये 310 उसके बाद 320 के आसपास जाए, लेकिन एक पुल बैक हम लोग को यहाँ पे जरूर मिलने वाला और इस तरीके से हो सकता है फ्यूचर में ब्रेकआउट मिले। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।